हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर फिफ्थ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2013। तो चलिए, जैसे कि इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने वर्ड के बारे में कुछ पढ़ा था ना, हमने कुछ टॉपिक को पढ़ा था। जैसे कि हमने देखा था वर्ड प्रोसेसर, स्टार्टिंग वर्ड 2013, यानी कि हम अपने वर्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमने वर्ड 2013 विंडो के पार्ट्स को देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट उसमें सेव है हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे कर सकते हैं, और हम वर्ड को, हमारा जो वर्ड है 2013, उसे हम क्लोज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और कैसे ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट को हम ओपन कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना वर्ड विंडो ओपन कर रखा है ना। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल टैब पर क्लिक करना है। देखिए, हमने फाइल टैब पर क्लिक किया तो हम यहाँ लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं ना, हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, दिख रहे हैं ना। तो हम इस पे क्लिक हम क्लिक करेंगे न्यू पे। न्यू पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप ये फर्स्ट में देखिए जो कि क्या है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम किस पे क्लिक करेंगे, इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमें मिला। अब हम चाहते हैं कि हम जो फाइल क्रिएट हमें जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, जो फाइल क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे। चलिए हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये टाइप किया ना, तो टाइप करने के बाद हम देख रहे हैं कि जैसे जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जब हम लिखते हैं तो हमारा कर्सर जिस पोजिशन पर होता है, हम तो हमारा टाइपिंग भी वहीं से स्टार्ट होता है। और जब हम अपने टाइप करते हुए अपने लाइन के एंड पे आते हैं, तो कर्सर जो हमारा होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, नीचे की लाइन में शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए, जैसे अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने डॉक्यूमेंट पे लिखा है, टाइप किया है, अब हम इसे डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। तो चलिए, सेव करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करना है। देखिए, फाइल टैब पर हमने क्लिक किया तो हमें ये ऑप्शन मिले ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेव एज को सेलेक्ट करना है। ठीक, सेव एज सेलेक्ट करने के बाद हमें ये सेव एज में ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसमें हमें कंप्यूटर पे क्लिक करना है। कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद ये जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे जो ब्राउज है, हमें ब्राउज पे क्लिक करना है। करने के बाद एक ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें लोकेशन सेलेक्ट करना है कि हम अपने फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे, ये बॉटम में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें फाइल का नाम लिखना है। हम अपने फाइल को जो भी नाम देना चाहते हैं, जो भी नेम अपने फाइल का लिखना चाहते हैं, वहाँ पे हम अपने मन से यहाँ पे फाइल का नेम लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए, जैसे कि NEPS से नाम से मैंने सेव किया ना, अपने फाइल का नाम मैंने NEPS दिया। देन उसके बाद यहाँ बॉटम में यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, हम इस सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो चलिए, अब ये तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट सेव करने सीखा है ना। अब हम देख लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमारे फ़ोन हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव है, हम उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, हमने जो डॉक्यूमेंट को सेव किया है, हम उसे ही ओपन करके देख लेते हैं। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल टैब पे क्लिक करना है। फाइल टैब पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें से हमें ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमें कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ब्राउज, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे हम लोगों ने अपने फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया था ना, तो हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। देन यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो हमने हमारे डॉक्यूमेंट का नाम क्या हमने रखा था, NEPS ना, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें हमारा डॉक्यूमेंट का नाम दिखेगा NEPS। देन हम उसे सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ना। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि हम अपने वर्ड 13 के विंडो को क्लोज कैसे कर लेते हैं।
जब हमने अपना सारा काम फिनिश कर लिया, देन हम जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो टाइटल बार होता है वहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे अपने क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे जो कि टाइटल बार में है, तो हमारा ये जो वर्ड का विंडो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये देखिए हमारा वर्ड विंडो क्लोज हो गया ना। ओके, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पर कम्प्लीट होता है। ओके, थैंक यू।